घर के बाहर खेल रही एक 10 साल की मासूम बच्ची की तालाब में डूब जाने से मौत का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बच्ची के साथ ये हादसा पेश आया है सिवारा के गांव मधुपुरा में, जहां पर एक बच्ची अन्य बच्चों के साथ तालाब के पास खेल रही थी कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो तालाब में जा गिरी। ये देखते ही बाकी बच्चे तुरंत घर पहुंचे और परिवार को बच्ची के डूब जाने की खबर दी गई। आनन-फानन में परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और बच्ची को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया। एक दब गया, एक बच्ची डूब गई, खबर मौके पर हो। रोड भी तुम्हारी वहाँ से हाथ की खराब है। अच्छा गुलफाम साहब, ये बच्ची डूबी कौन सा मोहल्ला है? ये मोहल्ला मधुपुरा है। अच्छा, ये बच्ची खेलने गई थी और ढंगा बच गिर गई। तलाव इतना गहरा कर दिया मौलाना सलमान ने, जेपीसी से खोद खोद के भराव करवा दिया। अच्छा, तलाव बहुत गहरा हो चुका है, हमें जानो खतरा है सब बस्ती वालों को। आज लड़की डूबी, कल वो डूबेगा। तो क्या तालाब बना हुआ है वहाँ पर? तालाब बना हुआ है साहब, मछली पालन करता हूँ। तालाब में डूब के मरी बच्ची? और क्या नाम है बच्ची का? नेहरुमा। कितनी साल की होगी? 10 साल की। अच्छा, 10 साल की। पिता का क्या नाम है इसका? पिता का नाम है शरीफ रफीक, मोहम्मद रफीक।